जी, यू आर वॉचिंग प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। हमें आज हमारे प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट जनाब हामिद बाशानी साहब। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। आपका शुक्रिया जी। बैरिस्टर साहब, इस वक्त दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में, खास तौर पर जो इस वक्त खबरें चल रही हैं अमरीका, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान, इन सबको देखते हुए, एक खबर तो ये है कि जो इब्राहिम रईसी हैं वो कल पहुंच रहे हैं पाकिस्तान, और उनका ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट विजिट है, खास तौर पर एक ऐसे सिनेरियो में कि जिस वक्त मिडल ईस्ट में इस वक्त एक आग लगी हुई है, पाकिस्तान में उनका आना किस हद तक अहमियत का हामिल है, क्या इसकी जो है इम्प्लीकेशंस, और इसी के साथ ये कि अमेरिका की तरफ से अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 3 ऐसी चाइनीज कंपनी और एक बेलारूस कंपनी जिसके ऊपर पाबंदियां इसलिए लगाई हैं, सैंक्शंस लगाई हैं कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर हैं, इसके ऊपर दफ्तर खारजा की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्या देखते हैं कि ये जो इस वक्त इब्राहिम रईसी का है पाकिस्तान के अंदर, वो कैसे असरात मुरतब करे। देखें जी, असरात की बात तो जो है ये तो बड़ा मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना इन हालात में, लेकिन ये है कि ये हालात ऐसे हैं कि इसमें किसी ईरानी लीडर के लिए किसी दूसरे मुल्क में दौरे पे जाना ही जो है वो बड़ी बात है कि कोई मुल्क जो है उनको इनवाइट करे या उनकी अपने इनिशिएटिव पे उनको दौरे के लिए जो है वो कहे। चूँकि इस वक्त जाहिर है जो सिचुएशन चल रही है उसमें ईरान के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं डिप्लोमेसी में। जाहिर है कि ना सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर बल्कि बाहर भी जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क भी शामिल हैं, तो इस हवाले से ये क्रिटिकल इवेंट ज़रूर है। अगर आप इसको पीछे से देखें, जाके अभी जो सऊदी डेलीगेशन का दौरा हुआ है रिसेंटली उसकी नुक्ता नज़र से भी, तो वो इस हवाले से इसकी इन दौरों के आपस में जो है वो कनेक्शन बनते हैं। चूँकि बुनियादी तौर पे ये सारी लड़ाई जो है उसको अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें मेन जो फरीक हैं, पार्टीज हैं, वो ईरान और सऊदी अरबिया है, और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस बात पे चल रहा है कि मिडल ईस्ट में या खलीज फारस में, पर्शियन गल्फ जिसको आप कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, और उसके बाद मुस्लिम दुनिया का लीडर जो है वो कौन है। और ये कोई छोटा मोटा क्लैश नहीं है बल्कि ये साला साल से चलने वाला, बल्कि उस तरह देखा जाए तो सदियों से चलने वाला भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। अलग बात है कि इसकी शक्लें जो है वो बदलती रही हैं। बुनियादी तौर पे ये जाके तो जो है वो जो इस्लाम के इब्दाई अदवार हैं, जब सुल्तनत इस्लामिया जो है वो डिवेलप होनी शुरू हुई तो उस वक्त से जाके जुड़ते हैं, और एक तरह का वो जो अरबी और अजमी का आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट का तसव्वुर था, और स्पेसिफिकली ईरान और जो इस्लामी रियासत है उसका था, जिसको आप रियासत मदीना भी कभी कभार कहते हैं। तो वो ज़्यादा क्रिटिकल इसलिए था कि बुनियादी तौर पे उस खत्ते में ईरानी जो है एक अरसे तक लीडरशिप का रोल प्ले करते रहे हैं, और आज भी आप जाके हिस्ट्री में देखें, अगर अम्पायर्स की, बड़ी बड़ी अम्पायर्स की आप लिस्ट निकालें, जो दुनिया की बड़ी 8-10 या 5-6 अम्पायर आप ले लें, तो उसमें जो है वो जो पर्शियन अम्पायर है जो साइरस आजम के हवाले से जिसको लोग जानते हैं, एक बहुत ही ताकतवर किस्म की अम्पायर जो है उसकी शक्ल रही, तो उसमें उसके बाद रशियन अम्पायर हो गई या स्पेनिश अम्पायर है या आपकी सुल्तनत उस्मानिया जो बन के उभरी या उसके बाद की जो हैं उनकी अपनी एक वो है। लेकिन आप ये देखें कि जिन कामों ने किसी न किसी तरीके से अपने आप को उसमें चाइनीज जो है वो डायनेस्टी भी शामिल हैं इस तरह की, तो इन्होंने जहाँ कहीं भी अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश की कि माजी में जिन जिन इलाकों में लोगों के पास हुकूमतें थी, सुल्तनतें थी, ताकत थी,
उसको जो है वो उन्होंने गिव अप नहीं किया। अब जब आप इस वक्त देखेंगे जी सुल्तनत उस्मानिया आई है 2023-4 में जो माहदे की मुदत ख़त्म हो रही है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब तुर्की जो है वो लीडरशिप क्लेम करेगा। तो इस हिसाब से देखें तो ये हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है अरबों और ईरानियों के दरमियान। जी है, और वो है स्पेसिफिकली लीडरशिप का क्लेम जो दोनों बेस कर रहे हैं इस्लाम पे। तो इस हवाले से जो इतनी इस खित्ते में जो लड़ाइयां हुई हैं, जो प्राक्सी वार्स हुई हैं, जिसमें इन्होंने पूरे पूरे मुल्क तबाह कर दिए। अब लोग बड़े एक्साइट हो रहे थे जी ईरान ने मिसाइल फेंक दिए इसराइल पे और इसराइल पता नहीं क्या फेंक देगा ईरान पे, लेकिन आप देखें कुछ नहीं हुआ। और जो कुछ हुआ भी वो बहुत ब्लैक आउट हो गया, मुमकिन है कोई 100-200 हज़ार लोग मारे भी गए हों, लेकिन ऑफिशियली दोनों के नज़दीक एक चिड़िया भी जो है वो इसमें काम नहीं आई। तो इस ये किस चीज़ को साबित करते हैं कि दो इतने बड़े नाउन किस्म के दुश्मन जिन्होंने कस्में उठाई हुई हैं कि हम दुनिया में अमन कायम नहीं होने देंगे एक दूसरे को तबाह किए बगैर, वो एक दूसरे से लड़ाई कभी नहीं लड़ेंगे, ना अपना बंदा मरवाएंगे सिंगल पर्सन, ना एक दूसरे के शहर तबाह करेंगे, वो दूसरों को मलियामेट करेंगे। जैसा कि हो रहा है कि आधी दुनिया, आप ये देखें कि ईरान के जो इन्फ्लुएंस में अहले तशी की जो दुनिया थी लेबनान से लेके तो उर्दन में और सीरिया में, ये जिसको आप ये जॉर्डन और शाम वगैरह में, तो उनको उन्होंने किस बुरे तरीके से तबाह बर्बाद करा के रख दिया से जो है वो ईरान उनको इस्तेमाल कर रहा है एज ए प्राक्सी, उधर से इसराइल उनको इस्तेमाल कर रहा है एक तजर्बा गाह के तौर पे, अपने हथियार और अपने पायलट और अपनी गनें जो हैं उनको वो करने के लिए। और इसमें रोल है सऊदी अरबिया का भी, चूंकि ईरान ने ये 4-5 मुल्क टेक ओवर कर दिए। और ये जो लेटेस्ट आपने देखा है डेवलपमेंट हुई है कि जिसमें के ईरान ने इन मुल्कों मसलन इराक हो गया या शाम हो गया, इनकी जो फजाई स्पेस है उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया, जो ईरानी असर और सूख को जाहिर करता है, जो सऊदीया के लिए एक नाकाबले बर्दाश्त चीज़ है। तो सऊदीया का जो दौरा था, जो डेलीगेशन था, उसको तो वो मामूल का करार दे रहे हैं, जिस तरह इसका अभी दे रहे हैं कि मामूल का प्री स्पेजल या वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकत ये है कि ये अब जो है हाथ पांव मार रहे हैं अपना अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको बचाए रखने के लिए या एस्टेब्लिश करने के लिए। सर वो तो अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए या अपने लिए, लेकिन पाकिस्तान इसके बीच में इस तरीके से आप कैसे देख रहे हैं? कि इसी के साथ हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान का इस वक्त डेलीगेशन अमेरिका में आया हुआ है, और यहाँ पर उनसे जो अप्रैल के मंथ है जिसमें के इस एजेंडे में अब IMF के पाकिस्तान का भी शामिल होना था, लेकिन पाकिस्तान के रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं कि अप्रैल के मंथ में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है उनके एजेंडे में, और पाकिस्तान ने जो नया प्रोग्राम है उसके लिए भी दरखास्त भी दायर कर दी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सर पाबंदियां लगाई गई हैं और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स आ गया है, और उनका ये कहना है कि माजी में भी पाबंदियां लगाई जाती रही हैं हमारे ऊपर, हमारे बैलिस्टिक प्रोग्राम्स पर, और जो है उसके अंदर जो अभी जो है उसको हम आगाह नहीं है क्या इसके अंदर है डिटेल्स, लेकिन हमने कई ऐसे वाकया देखे जहां में सिर्फ शक की बिना पर लिस्टें बनाई गई और मुलविस शिया जो है किसी कंट्रोल में नहीं थी, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ये स्पोक्स पर्सन ने उन्होंने डिटेल में आया है। तो आप समझते हैं कि ये सब भी इसके अंदर शामिल हैं जो इस वक्त हो रहा है, जो सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है? देखें जी, इसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो मैं बयान कर रहा था, उसमें एक एस्पेक्ट तो ये है ना कि जिसमें सऊदीया वर्सेस ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए जाहिर है कि उन्होंने चूंकि अपना स्पेस को एक्सपेंड करना है या कंसोलिडेट करना है, तो उसमें पाकिस्तान जैसे मुल्कों को एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि वो जिनसे को बात करने के लिए भी आम हालात में तैयार नहीं था, उनके लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है
मसलन जिस तरह सऊदी अरबिया ने हर चीज को यस किया है, इन्वेस्टमेंट को वगैरह वगैरह को, आम हालात में ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन जाहिर है कि सऊदी अरबिया को ये नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान बड़े आराम से जो है वो ईरान के इन्फ्लुएंस में जा सकता है, तो उसको रोकने के लिए जाहिर है वो ये बात छुपाते नहीं है, वो ये बात कतन नहीं छुपाते हैं, चूंकि उनके दरमियान जो डिग्री ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना ओपन है कि वो साफ कहते हैं कि हम आपकी साथ तावन कर रहे हैं, आपके साथ दोस्तियां कर रहे हैं, तो आप फिर हमारे दुश्मनों के साथ हाथ नहीं मिला सकते। तो ये जो 4 या 8 बिलियन डॉलर की नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो इन्वेस्टमेंट का उन्होंने लारा दिया है, जो कि कमर्शली ऑर्गेनाइज किस्म की इन्वेस्टमेंट है, जिसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है या नुकसान, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ा इंसेंटिव नहीं है। लेकिन ये भी ईरान की वजह से हुआ है कि एक दबाव जो सोरिया फील कर रहा था उसको रिलैक्स करने के लिए, कि इस तरह का कोई जेस्चर जो है वो पाकिस्तान को रोकेगा। दूसरी तरफ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को नजर आ रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये देख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो गल्फ में जो अपॉर्चुनिटी उसकी ओपन हो रही है ईरान के साथ, उसको स्टॉप करने के लिए अगर कुछ ना किया जाए तो पाकिस्तान उस तरफ झुक सकता है, जिसके लिए ये ब्लास्टिक मिसाइल और ये कंपनियों का जो है वो मसला खोला गया है। जाहिर है ये बिल्कुल कोई नया मसला नहीं है, ये बहुत पहले से ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ये बेलारूस हो या चीन हो, वो इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी और जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है और फाइनेंशियल सपोर्ट है वो इनको मिलती रही है। तो इस हिसाब से जाहिर है अमेरिका भी इसको एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने के लिए कि वो ईरान का साथ ना दे। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ का ये मतलब हरगिज ये नहीं होता कि कोई मुल्क जो है वो रातों रात बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि ये इसकी जो वजारत खारजा है ये डीपली डिप्रेस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। डीपली डिप्रेस्ड इसलिए है कि इनके जो रेज्यूमे हैं, जो पोर्टफोलियो है, उसमें नीचे से लेके ऊपर तक अगर 10 पेज भी आप प्रिंट करें तो एक ही लफ्ज नजर आएगा, वो है फेलियर ऑन काउंट ऑफ एवरी सिंगल थिंग। अमेरिका के साथ गुलामी का रिश्ता बनाने के बावजूद आखिर में अमेरिका ने उसको जो है वो बिल्कुल बेआबरू करके तो अपनी डोमेन से बाहर फेंक दिया, तो इसको भी वो अपनी कामयाबी बना के पेश करते हैं, लेकिन दैट वाज ए फेलियर कि जो मुल्क अपनी ज़िंदगी के 50 साल इन्वेस्ट कर दे किसी मुल्क के साथ इस तरह का ताल्लुक बनाने में, वो आका और गुलाम की हद तक की शक्ल इख्तियार कर ले और फिर भी उसको किक आउट कर दिया जाए, तो इससे बुरा फेलियर क्या होता है। तो ये जो डिप्रेस्ड किस्म की वजारत खारजा है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज में जो है वो ओवर एक्साइट हो जाती है कि पता नहीं हम इतने इम्पॉर्टेंट हो गए कि एक तरफ से सऊदी आ रहे हैं, दूसरी तरफ से ईरान भाग रहा है, तीसरी तरफ से अमेरिका हमारे पीछे पीछे चल रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो फौरन जो है वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ डॉलर्स मांगते हैं एक, और दूसरा ये कहते हैं कि जी हमारी इंडिया से बातचीत कराओ ताकि हम जो है वो कश्मीर के मसले के हवाले से और जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म करें, ये 2 शर्तें रखते हैं ये। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की वजारत खारजा एक बार फिर बिल्कुल यही काम कर रही है कि ये इस अपॉर्चुनिटी को समझ के तो कहते हैं कि हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे अमेरिका के साथ, मुमकिन है हमारी जो है वो बार्गेनिंग अगर हो जाए तो हम वापस जो है वो पुराने सूरत हाल में चले जाएं, तो ईरान के उनको फिर डिच करना या उसको धोखा देना कोई मसला ही नहीं है कि वो कोई ईरान को अगर कमिट कर भी दें, पहली बात है कि अभी तक तो उन्होंने कमिट नहीं किया, तो अगर कर भी दें तो उसमें उनके लिए पीछे हटना कोई बड़ी बात नहीं। आप ये देखेंगे सिर्फ पाकिस्तान ईरान जो गैस पाइपलाइन है ये इसका कितना बड़ा सबूत है कि कितने सालों से ये ड्रामा चल रहा है कि ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जब ये
इनको प्रेशर पड़ता है, मामलात ख़राब होते हैं तो ये गैस का फाइल निकाल लेते हैं कि जी वो ईरान के साथ काम शुरू होने वाला है, और फिर 10 साल तक उनको याद ही नहीं रहता कि कोई गैस पाइपलाइन थी भी या नहीं जब हालात दुरुस्त होते हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो मैं इसको कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स, वो एक नया रोल एस्टेब्लिशमेंट, दूसरे अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट जो है एक नया रोल तलाश कर रही है सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, चूंकि इस वक्त वो बिल्कुल बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के बैठे हुए हैं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनके पास कहीं कोई अफगानिस्तान, कोई बलूचिस्तान, कोई इस तरह की छोटे मोटे इवेंट हमेशा होते थे जिनकी बुनियाद पे उनकी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रहती थी। इस वक्त वो टोटल ब्लैक आउट हैं और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से दोबारा वो इस इम्पॉर्टेंट किस्म की जो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल किस्म की गेम है इसमें वो इन हो जाए। तो इसके लिए उनका मेन फोकस जो है वो ईरान नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है कि किसी न किसी तरीके से ये इसके साथ जो है वो रिकंसाइल कर दिया जाए। मेरी तो ये इस पे अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, तो सर इसके अंदर ये भी है कि आखिर ये जिस तरीके से जो दफ्तर खारजा उसने ये कहा कि पहले भी इस तरह की हमारे पर इल्जाम लगते रहे हैं, पहले भी हमारे लिए इस तरह की लिस्टें आती रही हैं, जबकि दूसरी तरफ तो पाकिस्तान के ऊपर ही ऐसे इल्जाम क्यों लगते रहे हैं जैसा कि वो कह रहे हैं, बार बार क्यों लगते हैं? हम देख रहे हैं कि इंडिया की तो अभी बल्कि यूएस के ऑफिशियल्स की तरफ से ही जो इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है उसकी बड़ी तारीफ की गई, बल्कि लॉयड ऑस्टिन साहब ने भी ये कहा कि जो हमारा इंडिया और अमेरिका का इंजन का जो है वो प्लान और जो भी एग्रीमेंट वो बड़ा एक रेवोल्यूशनरी है और बड़ी तारीफ करते हैं वो, लेकिन फिर बार बार क्यों इल्जाम लगते हैं और इसको एक बार पाकिस्तान की तरफ से खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता कि भाई अगर कोई मसले मसाइल हैं तो उसको ताकि दोबारा ना हो ऐसा? नहीं, इसको तो मैं बड़ा एक मासूमाना किस्म की प्लीज समझता हूँ कि जी हमारे लिए कौन सी नई बात है, हम तो पहले ही इस मामले में बदनाम है। ये दूसरे अल्फाज में यही बात है ना कि ये इल्जाम कौन सा हमारे लिए नया है जी, हम तो इस फील्ड में माहिर हैं, हम पे तो 40 साल से मसलसल ये इल्जाम लग रहे हैं। तो ये इल्जाम लग रहे हैं तो ये इल्जाम कोई दुनिया भर के इल्जाम है इथोपिया पे लगते रहे, कभी ये इल्जाम भी लगा है कि उन्होंने कोरिया से जाके मीजल खरीदने की कोशिश की या शुमाली कोरिया में जाके उनसे टेक्नोलॉजी मांगने की कोशिश की। इल्जाम तो वही लगता है किसी मुल्क पे लगता है जिसके इर्द गिर्द किसी तरह की कोई क्रेडिबल किस्म की एविडेंस और कोई हालात होते हैं। पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 50-60 साल से इस तरह की इंटरनेशनली क्लैंडेस्टाइन किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है, जिसको पाकिस्तान की अपनी एलीट जो है रूलिंग एलीट और इवन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना एसेट बना के पेश करती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये बात बड़े फख्र से लिखी पढ़ी और कही जाती है कि बेनजीर भुट्टो ने जो है वो शुमाली कोरिया से जाके मीजल टेक्नोलॉजी ली थी। ये बेनजीर भुट्टो की अपनी पर्सनैलिटी को ग्लोरीफाई करने से ज्यादा इस बात को ग्लोरीफाई किया जाता है कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट है उसका जो असरसू और उसकी पांच और उसका इन्फ्लुएंस कितने दूर तक है, कि एक तरफ तो वो इस तरह की स्टेट जो है उसके साथ मामला तय कर सकती है और दूसरी तरफ अपनी सोसाइटी का जो सबसे ब्रिलियंट फेस है उसको जो है वो हाईजैक करके तो इस मकसद के लिए ओपनली इस्तेमाल कर सकती है, इसका उर्दू तर्जमा तो ये है। तो इसको ये बना के पेश करते हैं अपनों को बहुत बड़े पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा एसेट के देखें हमारे ऐसे ऐसे कारनामे हैं, और इस तरह के कारनामों को अगर आप लेके देखें तो ये जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डील्स थी, ट्रैफिकिंग थी, ये सारे जो मामलात थे जिसमें माजी में आपके बड़े बड़े जोगादरी किस्म के साइंटिस्ट जो हैं उनको बेआबरू किया गया या उनको जो है वो जिस तरीके से डिसमिस किया गया जी, डॉक्टर लेके आए, तो ये एक लंबी हिस्ट्री है और ये इन्होंने ठीक बयान दिया है कि ये हम इस मामले में बहुत रुसवा हैं ऑलरेडी, तो ये कोई नया काम हम नहीं कर रहे हैं या नया काम हमने नहीं किया। अच्छा, बर्शे साहब आपसे अब ये भी मैं सवाल करना चाहूंगी कि एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं
مسٹر اورنگ سے وہ امریکہ میں ہیں اور آئی ایم ایف کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں, نئے پلان کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے, لانگ ٹرم پلان بھی چاہتے ہیں. تو ابھی تو جو اپریل کے ایجنڈے میں نام تھا وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان کے اس میں جو شیڈیول میں شامل ہی نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے ایسے وقت میں, تو یہ تعلقات اور ریلیشنز جو ہیں وہ مزید ویک ہوں گے اور آئی ایم ایف پہ بھی اس کا فرق پڑے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پلان ہو جائے گا اور اگلا جو ہے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا؟ دیکھیں جی, یہ بات بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ جو اپلیکیشن گئی ہے اور قبل از وقت گئی ہے. اگر آپ پاکستان کا پچھلا ماضی کا 3 سال کا ٹریک ریکڈ دیکھیں تو اس طرح اپلیکیشن نہیں جاتی. اس سے پہلے بہت بڑا ہوم ورک ہوتا ہے, نیگوسیشنز ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, تو اس کے بعد باضابطہ پھر ایک جو ہے وہ اپلیکیشن آتی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے کیا, یہ اس وقت کے جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ جو ویسٹرن انفلوئنشل پاورز ہیں ان کی مرضی اور کنسنٹ کے بغیر آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو فائنینس نہیں کر سکتا. وہ کتنی اپلیکیشنز دیں یا نہ دیں, لانگ ٹرم مانگیں یا شارٹ ٹرم مانگیں, تو اس کا تعلق جو ہے وہ جڑتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات کے ساتھ. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت جو خطے کی سچویشن بن گئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک نیا بارگیننگ چپ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور اس کو یوز کر کے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اٹھایا جائے. اب میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ نیکسٹ چیز جو آپ سنیں گے وہ آپ سنیں گے انڈیا کے ساتھ نیگوسیشن کی, ٹریڈ کی اور انویسٹمنٹ کی اور اس طرح کی چیزوں کی, اور وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ کی جائے گی, چونکہ اس کو بھی وہ اسی طرح کی اپرچونیٹی جو ہے وہ سمجھ کے تو اس کو یوز کر رہے ہیں. سر اگر کامنٹ آپ کرنا چاہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کچھ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جیسے کہ تو جو ابراہیم رئیسی کا یہ دورہ ہے تو اس کے اوپر یہ سب کچھ داؤ پہ لگانا صحیح ہے, مطلب کوئی اس میں جو ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر حاصل کر سکتے ہیں, تو ایسا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ دورہ ان کا ہے کیوں. بیسیکلی تو ظاہر ہے دو ہی چیزیں ہیں نا, کہ یا تو جو ایران پاکستان کے درمیان جو آؤٹ سٹینڈنگ قسم کے ایشوز ہیں, وہ گیس پائپ لائن ہو یا بائی لیٹرل جو تعلقات ہیں یا سرحدوں کے ایشوز ہیں یا کراس بارڈر ٹریفکنگ ہے, ٹیررزم ہے, یہ ہیں. اور دوسرا جو اس وقت کی جو کرنٹ پولیٹیکل, اگر صرف یہی حالات اور واقعات امپارٹنٹ ہوتے تو پھر یہ دورہ منسوخ ہو جاتا, اور یہ لاجیکل ہے. کوئی بھی ملک ان حالات میں اس طرح کے معمولی معاملات پہ دورے کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوتا ہے, نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس طرح کی ڈسٹرکشنز کریٹ کی جائیں. تو اس لیے اس دورے کو مین جو ہے فوکس وہ ہے جو موجودہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, کہ کیا ایران اسرائیل کانفلکٹ میں پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. تو وہ کھڑا ہونے کی جو شکلیں ہیں اس میں گولہ بارود سے لے کے میزائل تک بھی بات ہو سکتی ہے, اور دوسرے کئی طریقے ہو سکتے ہیں, افرادی قوت بھی ہو سکتی ہے, جو بھی پاسیبلٹیز ہیں. تو اس کے لیے بر وقت دوسری طرف سے جو ہے وہ آواز اٹھ گئی ہے کہ اگر پاکستان کے پاس کوئی میزائل ہیں بھی, کوئی ایسی قابل فروخت چیز ہے بھی, تو آئی کہاں سے, اس کو ٹیکنالوجی کس نے دی اور وہ فائنینس کس نے کی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گریٹر گیم جو ہے اس کا جو ہے وہ ایک امپارٹنٹ حصہ ہے. لیکن اس میں کوئی پیش رفت اس لیے نہیں ہوگی کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے ہر کھلاڑی کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ بھی, ایران کے ساتھ بھی, اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ بھی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہے وہ بیک ڈور میں اسرائیل کے ساتھ بھی اس کی کھلی کمیونیکیشن ہر ایشو پہ جو ہے وہ چل رہی ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ اسمارٹلی پلے کرنا شروع ہو جائیں تو اس کے نتائج کئی دفعہ جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوتے ہیں.
چونکہ آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو بیسٹر حامد باشانی صاحب, سر بہت شکریہ کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. آپ کا شکریہ. تھینک یو.